दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों अपनी हमने पिछली वीडियोस में जितनी भी यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर किया, जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया, यूनिवर्सिटीज के अप्रूवल के बारे में, यूनिवर्सिटी कब बनी है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हॉस्टल्स कैसे हैं, उन्हीं सब वीडियोस को देखते हुए मध्य प्रदेश पर जब हमने वीडियोस बनाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया, व्हाट्सएप किया कि हम एक वीडियो बनाएं महाकौशल यूनिवर्सिटी के बारे में। महाकौशल यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर MP मध्य प्रदेश में स्थित है, यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेक्शन 2F UGC एक्ट 1956 का जो है उसके ही तहत यूनिवर्सिटी बनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक। बट स्टूडेंट्स चाहते हैं जानना, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने एडवर्टीजमेंट्स करती है, तो चाहते हैं कि हम जाने कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है, कब यूनिवर्सिटी बनी है, किन कोर्सेज में एडमिशन लें, किन में एडमिशन ना लें, ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, आज सभी उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। महाकौशल यूनिवर्सिटी जबलपुर MP के बारे में आज ये वीडियो है। ज्यादा कुछ जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों महाकौशल यूनिवर्सिटी वैसे तो वही एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसे कि बाकी सब यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में चलती है। अपने देश में हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। अब ये जो महाकौशल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, महाकौशल यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई, यूनिवर्सिटी के पास UGC का अप्रूवल है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी जो चलती है उसका सबसे पहले UGC में लिस्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर यूनिवर्सिटी UGC पर नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी वैलिड ही नहीं है। और यहाँ पर हालांकि फेक यूनिवर्सिटीज की भी एक लिस्ट जारी की हुई है UGC ने, आप उसको देखें अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। UGC पर इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप ये जानें। आप क्या करेंगे, www.ugc.ac.in जैसे ही ओपन करेंगे आप इस वेबसाइट को, एक इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। इंटरफेस खुलेगा यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही वो बॉडी है अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में, जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है और सभी यूनिवर्सिटीज रिपोर्ट करती हैं UGC को। अब यहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कैसे करेंगे, महाकौशल यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटीज में जाइए। यूनिवर्सिटीज में आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सभी स्टेट्स के नाम आपके सामने लिखे हुए आ जाएंगे। इन स्टेट्स में से मध्य प्रदेश पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मध्य प्रदेश को क्लिक करेंगे तो टोटल जितनी भी यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में चलती हैं वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो टोटल 43 यूनिवर्सिटीज है, टोटल 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो चलती हैं मध्य प्रदेश में, उनकी एक लिस्ट खुल जाएगी। लिस्ट खुलने के बाद में यहाँ पर 16वें नंबर पर, मतलब 16th नंबर पर आप देखोगे तो महाकौशल यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। महाकौशल यूनिवर्सिटी जो कि 2021 में यूनिवर्सिटी बनी, मतलब 13 जनवरी 2021 की डिटेल्स यहां मेंशन है, आप देख सकते हैं। महाकौशल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट mku.ac.in, कोई भी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो हमेशा UGC की वेबसाइट से आप देखा कीजिए। काफी सारे क्लोन वेबसाइट्स भी होती है, उन्हें आप ना देखें।
और ज्यादा जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी को आप मोर डिटेल्स पर क्लिक कर दें। मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यूनिवर्सिटी का फोन नंबर है, यहाँ पर मेल आईडी है और साथ में ही वेबसाइट भी मेंशन है। वीसी साहब की डिटेल जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो है प्रोफेसर आर सी मिश्रा, इनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी मेंशन है और साथ में ही जो रजिस्ट्रार साहब है यहाँ पर ए एच सरस्वत, इनका भी फोन नंबर यहाँ मेंशन है और मेल आईडी भी मेंशन है। आप सीधा इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी इशू पर सुनवाई नहीं हो रही अगर यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी वैसे तो मान्य है दोस्तों, यूजीसी पर लिस्ट है यूनिवर्सिटी पर। मैं आपको बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करें, जाकर यूनिवर्सिटी में देखें, यूनिवर्सिटी कैंपस देखें, फैकल्टी मेंबर्स से मिलें, हो सके तो स्टूडेंट्स से भी मिलें जो उस कोर्स में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छे से पड़ताल कर लें। हम जब भी कभी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो जाकर वहां पर इंटरव्यू करके आपको बताएंगे और भी काफी कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में, और कैसे आप दिल्ली से जाएंगे यूनिवर्सिटी उसके बारे में भी बताएंगे। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स तक पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की या किसी भी कोर्स की किसी भी कॉलेज की पहुंच सके, ताकि उसे कोई भी अधूरी जानकारी ना मिले। अब यहां पर साथ में ही इस यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं, अप्रूवल्स की बात करें, यूजीसी एक अप्रूवल है, जिस यूजीसी का अप्रूवल मिलने के बाद यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और साथ में ही पीएचडी जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकती है, रिसर्च यूनिवर्सिटी करवा सकती है, तो ये जो कोर्सेज है वो यूनिवर्सिटी चला सकती है। अप्रूवल्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास खास कोई ऐसा अप्रूवल नहीं है, जिस अप्रूवल की मैं बात करूं बहुत अच्छा अप्रूवल है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाला हुआ है जहां AICTE के अप्रूवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं। यूजीसी के बारे में मेंशन है, बाकी जो अप्रूवल्स होते हैं काउंसिल बॉडीज होती हैं, जैसे PCI होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, NCTE होती है बीएड करवाने के लिए, नर्सिंग काउंसिल होती है, बहुत सारी काउंसिल्स होती हैं, उन सब के बारे में यूनिवर्सिटी ने ज्यादा कुछ मेंशन अपनी वेबसाइट पे किया नहीं है। बट जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है वो कोर्सेज काफी सारे जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं उन कोर्सेज के बारे में, जैसे कि इंजीनियरिंग, मतलब कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, यूनिवर्सिटी बीटेक में एडमिशन लेती है, एमटेक में एडमिशन लेती है, तो इंजीनियरिंग जैसे कोई भी कोर्सेज को चलाने के लिए वैसे AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती है, बट वो AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है कॉलेजेस को, ना कि यूनिवर्सिटीज को। तो ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती है, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कि इसके अंदर और भी बाकी कोर्सेज आते हैं, जैसे BBA, MBA ये सब कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, PGD, BM करवाती है यूनिवर्सिटी, और भी कुछ कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है, BCA है, MCA है, साथ में BSc कंप्यूटर साइंस है या BSc IT है, MSc कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है। एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी जैसे कि BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एग्रीकल्चर में, ये यूनिवर्सिटी करवाती है, इन चीज़ों में एडमिशन लेती है, क्योंकि इनके लिए कुछ खास अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती नहीं है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में यूनिवर्सिटी BA करवाती है, MA करवाती है, इन सब में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। साइंस में BSc करवाना, साथ में ही BSc ऑनर्स के कोर्सेज करवाना, MSc करवाना, ऑनर्स में एडमिशन लेना, ये सब भी यूनिवर्सिटी करवाती है। एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है, हालांकि NCTE के अप्रूवल का जिक्र यूनिवर्सिटी ने अभी तक किया नहीं है, बट यहाँ पर BA एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, MA एजुकेशन करवाना या MA फिजिकल एजुकेशन करवाना, इसके लिए NCTE की ज़रूरत नहीं होती, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लेती है। बाकी और भी कोर्सेज हैं जैसे कि योगा, फैकल्टी ऑफ योगा, मतलब आप योगा में एडमिशन लेना चाहते हो, आप MA योगा करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी BA, BSc, MA, MSc योगा करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी करवाती है। फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट, इन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। फैशन एनिमेशन, मतलब फैशन से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में मेडिकल साइंसेज में कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं, जैसे BSc नर्सिंग है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, ऐसे कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने हालांकि मेंशन किए हैं, बट उनके अप्रूवल्स आप जरूर देख लें दोस्तों। जब तक काउंसिल बॉडी का अप्रूवल आप ना देखें तब तक ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, वरना आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यूनिवर्सिटी महाकौशल यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में यूनिवर्सिटी स्थित है, ये इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं या जो लेना चाहते हैं, जो हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं या व्हाट्सएप करते हैं दोस्तों, हम बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे और आपके और भी जो सवाल आपके दिल में है उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे।
अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर या किस कोर्स पर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, साथ में हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।